फोर्स का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है उनका पीएफ का पैसा को ई करके उनका सारा पैसा को इधर मैया योजना में दे दिया है ओला में और सबको बुड़बक बनाया है। स्थानीय नीति को लागू करना चाहिए था, मान लीजिए आप खुद है झारखंडी है आदिवासी है तो उस हिसाब से आदिवासी उनका ध्यान देना चाहिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन कहाँ होता है। ठीक है सर, चाय पी लीजिए आप लोग। सर चाय तो पियेंगे। मैया योजना सब भरा फॉर्म वोम सब तो ब्लॉक में जाकर फेंका गया। हाँ, किसी का आ रहा है किसी का आईबे नहीं कर रहा, तो क्या सरकार, यहाँ कोई सरकार है नहीं। झारखंड में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में सियासी सरगर्मी जो है लगातार बढ़ते जा रही है। जहाँ एक ओर प्रत्याशी नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं तो वहीं झारखंड की जो जनता है वो वोट देने के लिए तैयार हो रही है। यानी एक सियासी माहौल राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बना हुआ है और हम निकल पड़े हैं जगह जगह झारखंड की जनता से राय लेने के लिए, उनके मन को टटोलने के लिए। तो चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनकी राय। तो देखिए लोग हमारे साथ है, चुनावी माहौल है, भैया क्या देखते हैं इस बार, किस आधार पर जो है वोट करेंगे? वोट क्या है, सबको तो बुड़बक बना कर रख दिया है। मैया योजना भी है तो मैया योजना इनका चालू किया हुआ नहीं है, वो इनका है, इनका जो कहना चाहिए चुनावी। हाँ, तो उसमें अभी सबको बुड़बक बना रहा है। जितना अभी ई लोग का जो ई हुआ है, फोर्स का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, उनका पीएफ का पैसा को ई करके उनका सारा पैसा को इधर मैया योजना में दे दिया है ओला में और सबको बुड़बक बनाया है। अच्छा, आप सरकारी नौकरी में है शायद ना? सरकारी में नहीं है। अच्छा, सरकारी में नहीं है लेकिन जानकारी रखते हैं ओला में, है वो सब ओला में, तो वही सब करके वो ओला में सभी कर रहा है। और कोई विकास का काम कुछ नहीं हुआ है ओला में? विकास का काम कुछ नहीं हुआ है, सब इसको केवल गांव घर का कुछ जानता नहीं है क्या है क्या नहीं, सब यूट्यूबर है कि यूट्यूब में सिर्फ देखता है ओला में और बोलता है क्या ये हो रहा है, उसमें तो गलत को भी डाला जा सकता है, वैसा कोई बात नहीं है। और ये जो इधर उधर भाग रहा है, चुनाव का जो मेन मुद्दा है, नौकरी सब देना चाहिए था, नौकरी तो अभी दिया नहीं है ओला में। जितना है स्थानीय नीति को लागू करना चाहिए था, मान लीजिए आप खुद है झारखंडी है आदिवासी है तो उस हिसाब से आदिवासी उनका ध्यान देना चाहिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन कहाँ होता है, कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसा कमा रहा है उसी में सब अपना कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि हेमंत सरकार जो है उससे नाखुश है, हेमंत है ओला में? हाँ, उससे नाखुश है ओला में। हाँ, उससे नाखुश है ओला में। तो क्या लगता है बीजेपी आएगी तो करेगी काम? हाँ, करेगी बोला में। हाँ, करेगी पूरा विश्वास है। हाँ, विश्वास है बोला में। बोला बदलाव होना चाहिए बोला में, जो सरकार ने किया 5 साल देखिए बोला में, उसके बाद में नहीं करता है कोई काम तो दूसरा को दीजिए बोला में। ठीक है सर, चाय पी लीजिए आप लोग। सर चाय तो पियेंगे, चाय की चुस्की भी लेंगे, लेकिन बड़ी बात है कि हमारा सवाल ये है कि जो वर्तमान सरकार है हेमंत सरकार, वो कैसा काम कर रही है? वो तो अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, मैया दीदी योजना, जो मैया योजना है, आपका लाभ मिला आपको? हाँ, लाभ तो मिला हमको, 2 बार मिला लाभ। हाँ, 2 बार लाभ मिला। तो आपके नज़र से इस बार क्या, किस तरह का सरकार, यही हेमंत सरकार को देखना चाहेंगे या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए सर, परिवर्तन होना चाहिए। हेमंत सरकार नहीं, हेमंत नहीं, हम तो चाहेंगे कि परिवर्तन होना चाहिए। हेमंत सरकार को देखना चाहते हैं? नहीं, हेमंत सरकार के देखना चाहते हैं। अच्छा, दोनों। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, एक तरफ बोल रही है कि हेमंत सरकार को देखना चाहते हैं, एक तरफ बोल रही है परिवर्तन देखना चाहती है, तो मतलब दो तरह की बातें जो है जनता की ओर से आ रही है। लेकिन एक महिला है, इनकी हिम्मत को एक सलाम है, क्योंकि एक महिला होने के नाते यहाँ चाय की दुकान लगाकर जो है अपना घर का भरण पोषण कर रही है, एक काबिल तारीफ है। अच्छा काम कर रही है हेमंत सरकार। हेमंत सरकार यहाँ हम लोग का पेट रोजी रोटी चलिए नहीं रहा, हमको नहीं बोलना है। अच्छा, बोलना ही नहीं है, वोट देना है कि नहीं? नहीं देना, वोटे नहीं देना है साहब। यहाँ गो दीदी यार मैया योजना सब भरा फॉर्म वोम सब तो ब्लॉक में जाकर फेंका गया। हाँ, किसी का आ रहा है किसी का आईबे नहीं कर रहा, तो क्या सरकार, यहाँ कोई सरकार है नहीं। आप ही लोग ना सरकार बनाते हैं? सरकार हम लोग, हम तो वोटे नहीं देते हैं भैया, सीधी सी बात है, भी नहीं करते हैं बाहर का आदमी है। अरे, वोट देते ही नहीं है, बाहर के आदमी है बता रहे हैं। हेमंत सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है झारखंड में, वो अच्छा कार्य कर रही है या बदलाव देखना चाहिए? ये सब लूटने वाला सब है, इस जितना ये गठजोड़ है सब लूटने वाला है, गठजोड़ लूटने ही के लिए ये सब गठजोड़े किया है।
बीजेपी तो अभी तो पूरा मैंने इसका ईमानदारी का डंका है। बीजेपी ईमानदारी है, ईमानदार है। कैसे ईमानदार? ईमानदार मैंने जो अभी मान लीजिए जो दिया जनता को, जैसे शौचालय, उज्ज्वला योजना, गरीब को जो अभी फ्री राशन दे रहा है, हेमंत सरकार भी तो मैया योजना दे रहा है। ये तो अभी चुनाव के लिए बनाया है, एकर बाद बंद कर देगा। ये चुनाव के माहौल के लिए दिया है, वोट के लिए दिया है सब। हाँ भैया, आपको क्या लगता है कि जो मैया योजना है, जो भी है, देखिए हेमंत सरकार की जो योजना है उस पर क्या देखिए सरकार क्या बदलाव देखिए? आम जनमानस में जो प्रभाव है वो हम एकदम उद्धृत कर दे रहे हैं। पहला चीज है कि जहाँ तक बीजेपी सरकार की बात है, बीजेपी सरकार वो ऐसा काम किया है ना जो ये लोग 70 साल में नहीं किए। पहला कि अपर कास्ट के लोगों को 10% का रिजर्वेशन दिया। दूसरा, डिफेंस क्षेत्र में जो हम सारा डिफेंस का सामग्री आयात करते थे वो आज निर्यात कर रहे हैं। तीसरा, गरीबों के लिए कोरोना काल से लेकर अभी तक नॉन स्टॉप अनाज का सप्लाई है, अनाज मिल रहा है गरीबों को, गरीबों को घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है डिफेंस और अपर कास्ट के लोगों का 10% रिजर्वेशन। उसके अलावे संस्कृति के क्षेत्र में चलिएगा तो यहाँ बहुसंख्यक जो हैं उनके प्रतिष्ठा का रक्षक अगर कोई है तो बीजेपी है, नो डाउट। अब रहा राज्य सरकार, तो राज्य सरकार में भी दो बहुत बढ़िया काम किया है हेमंत सोरेन ने। पहला तो बिजली माफ़ी, इसमें समाज के हर तबके के लोगों को लाभ मिला है। जो किया है उसको कैसे भुलाया जा सकता है। दूसरा, मैया योजना, मैया योजना में भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। केवल इनके थोड़ा सा अदर मिनिस्टर है जो अवाट बवाट स्टेटमेंट देते रहते हैं कि ये बाहरी तो वो भीतरी हैं, पहले उनको निकालो तो इसको बसाओ, क्योंकि एक इनका मंत्री स्टेटमेंट दिया था जो लोगों को बहुत ख़राब लगा था। तो यही है, मिला जुला प्रभाव है समाज में, मिला जुला प्रभाव है। एक तरह बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और एक तरह हेमंत सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जो काम किया है, जो जैसा काम किया है वो तो आम जनमानस के दिमाग में है। जिसका मान लीजिए कि 10,000 रुपया बिजली बिल किसी का माफ हो गया, किसी का 8,000, वो कैसे नहीं वोट हेमंत सरकार को देगा? उसके परिवार में भी 5 आदमी है, हो सकता है कि 2 इधर मारे, 3 उधर मारे, 3 इधर मारे, 2 उधर मारे। आज के समय में मध्यम क्लास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। निचले वर्ग के लिए हो रहा, सबसे ऊपर जो है उसके लिए हो रहा, लेकिन कोर वोटर जो है वो मध्यम क्लास ही होता है। ऊपर वाले साहब इलेक्शन के दिन घर से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वोट देने, ये गारंटी नहीं। आप तो निकलिएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल निकलेंगे। तो सुना आपने कि जनता का क्या कुछ कहना था? जनता का साफ तौर पर कहना था कि इस बार परिवर्तन हम देखना चाहते हैं। तो कोई जनता कह रही है कि हेमंत सरकार ही अच्छा काम कर रही है, और कोई कह रही है कि भाजपा सरकार को लेकर आना चाहिए। यानी कई तरह की जो बातें हैं यहाँ सामने आ रही है। हालांकि जिस तरह से रांची की जनता से हम रूबरू हुए और उनसे उनका मन टटोलने की कोशिश किए और ये जानने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं उनके मन में क्या कुछ है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, तो कई बातें जो है सामने निकल कर आई हैं। जैसे कि HEC का मुद्दा हो या सहारा इंडिया परिवार, सहारा इंडिया का मामला हो जहां पर लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो इस तरह के कई मुद्दे जो है सामने आए हैं। तो शायद इस चुनाव में ये मुद्दे हावी रहेंगे। रांची से GN भारत के लिए मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।